हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आपके सामने लाए हैं और इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रूव करूंगा और इसका बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस भी करूंगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। हमको क्या प्रूव करना है, वन प्लस साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट LHS है। अब इस LHS में देखिए, सबसे पहले देखिए टेन थीटा को, टेन थीटा क्या है, क्यूसेंट रिलेशन है, तो क्यूसेंट रिलेशन में तोड़िए इसको। साइन थीटा ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे वन माइनस अब कॉट थीटा को क्यूसेंट, ये भी कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। फिर से कॉट थीटा को आप तोड़िए, किस में तोड़ेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ये टूट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा को आप किस पार्ट में तोड़ेंगे, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाइड यहाँ पे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाइड आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे है साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइड में क्या है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर टोटल में डिवाइड में क्या है, देखिए इसका डिनोमिनेटर ये जो साइन थीटा है इसका मल्टीप्लाइड किस में हो जाएगा, वन में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, यानी पूरे का डिनोमिनेटर, देखिए ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये रहा प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड में, अब देखिए कॉस का मल्टीप्लाइड वन में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पर रख दिया मैंने माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन थीटा, और पूरे पे क्या लिख दिया मैंने फिर से कॉस थीटा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, देखिए इनर का आउटर का आउटर में मल्टीप्लाइड, ठीक है, और इनर का इनर में मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाइड कॉस में कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी वही करने वाले हैं हम, यहाँ पे इनर का इनर में मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, और ये पूरा आउटर टर्म है इसका मल्टीप्लाइड कॉस थीटा का किस में कर देंगे हम, ऊपर वाले टर्म में कर देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाइड किस में हो रहा है, इस साइन में, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइड में अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाइड इसमें हो जाएगा। देखिए मैंने एरो लगाया, एरो को फॉलो कीजिए, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाइड किस में हो रहा है, कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस, इसका भी देखिए ये एरो देखिए कहाँ जा रहा है, अपवर्ड पार्ट में, यानी कॉस थीटा का मल्टीप्लाइड किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे टर्म का यानी जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का है मल्टीप्लाइड किस में होगा, साइन थीटा में, तो आप यहाँ पे लिखिए साइन थीटा और ब्रेकेट में कर दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैं इसको लिखने वाला हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए यहाँ पे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर मुझे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन एक काम करना होगा आपके, आगे क्या लगाना पड़ेगा, इसके माइनस लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एज इट इज उतार दीजिए, ये क्या है कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ये रहा साइन थीटा, साइन थीटा, ये पूरा टर्म देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन आगे कौन सा साइन लगा दीजिए यहाँ पे, माइनस का साइन, यहाँ पे आगे कौन सा साइन लगा दीजिए, माइनस का साइन, और आगे पूरे में ब्रैकेट बना दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यानी इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, माइनस, इस साइन को हटा दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में यहाँ पे रख देंगे आप साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो गया, ये पूरा साइन हट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए इस टर्म में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों टर्म में है, मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो आप कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इन ये जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म, इसमें देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों टर्म इसको हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये है, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में, देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, वन, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, कॉमन है। और इन द ब्रेकेट क्या बचेगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, ये भी टर्म देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ भी देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी डिनोमिनेटर का टर्म है, तो ये दोनों में मैं उसे कॉमन कर लूंगा, मैं उसे बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, बेस बेस सेम नहीं है, देखिए डिनोमिनेटर इसका इसका अलग अलग है, तो इसके डिनोमिनेटर को मैं इक्वल करूँगा, तो इसके लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना आया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रेकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाइड मैं इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, साइन पे पावर थ्री, यानी साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाइड मैं इधर करूँगा, कॉस का मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस पे क्यूब थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है साइन पे क्यूब थीटा माइनस कॉस पे क्यूब थीटा, मैं देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, वन ब्रेकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रेकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रेकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो फर्स्ट ब्रेकेट में ए माइनस बी, अनदर ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी, यही फार्मूला मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको मैं अप्लाई कैसे करूँगा। तो देखिए ये फार्मूला है, देखिए अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई बोले आपसे फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब, इसी फार्मूले को मैं मॉडिफाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन ब्रेकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड वाले ब्रेकेट में फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप, मैंने बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला को, फार्मूला है, इसको अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप इस तरह से लर्न कीजिए, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, तो वन ब्रेकेट फर्स्ट माइनस सेकंड, अनदर ब्रेकेट फर्स्ट फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड। आइए इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रेकेट। अब देखिए ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो देखिए फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, तो क्या होगा फार्मूला, वन ब्रेकेट फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इन अनदर ब्रेकेट फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको यहां से हटा दीजिए पहले, ठीक है। तो वन ब्रेकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड, अनदर ब्रेकेट में फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इंटू प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और डिवाइड में क्या है, टोटल साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड का, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब का मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, क्या है, फर्स्ट ब्रेकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड, अनदर ब्रेकेट में फर्स्ट स्क्वायर यानी फर्स्ट की जगह पे साइन है और सेकंड की जगह पे क्या है, कॉस है, तो फर्स्ट की जगह पे साइन है और सेकंड की जगह कॉस है, तो पहले ब्रेकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे में डिवाइड क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो आप यहाँ पे रखिए, आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, तो ये हो गया वन, ये पूरे टर्म की जगह पे आप कितना बता सकते हैं, वन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या बचा, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे में डिवाइड में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा यहाँ से देखो, मैंने एक बार ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है इसके साथ वन के साथ ले लिया, और यही डिनोमिनेटर मैंने पूरे के साथ किसके साथ ले लिया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वन के साथ दिया तो वन अपॉन क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इनके साथ लिया यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ क्या होगा, फिर डिवाइड में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये पूरा का पूरा टर्म कट के कितना आ जाएगा आपका, वन आ जाने वाला है, ये पूरा टर्म कट के कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा। मैंने देखिए क्या किया, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखा, वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा, आप फिर से मल्टीप्लाइड कीजिए, वन इंटू वन कितना आ जाएगा, वन, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा आपका, वही आ जाने वाला है। तो मैंने वन अपॉन साइन थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा कर लिया, ठीक है। फिर प्लस कितना आया, यहाँ पे कट के कितना आया था, वन। अब बताइए यहाँ पे वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का वन, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, वन प्लस
वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही आपका क्या है, यही आपका आर एच एस है, यही आपका क्या है, आर एच एस है, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था आर एच एस में, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ से पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आइए एनालिसिस करते हैं इसमें। तो एनालिसिस में देखिए, एनालिसिस, चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए पहले एनालिसिस में हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का अगर मैं आपसे पूछूं एनालिसिस करने में, कि एनालिसिस करने में कि ये टेन थीटा, यानी हम आपको क्यूसेंट रिलेशन याद होना चाहिए, एक रिलेशन है क्यूसेंट, क्यूसेंट रिलेशन, क्यूसेंट रिलेशन। बेटा अगर मैं पूछूं क्यूसेंट रिलेशन क्या है, तो बताओ दो ही रिलेशन है, एक होता है टेन थीटा और दूसरा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन रिलेशन है, और दूसरा क्वेश्चन रिलेशन क्या है, कॉट थीटा का, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पहला देखिए क्वेश्चन रिलेशन क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया क्या, क्वेश्चन रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखिए क्वेश्चन रिलेशन में टेन थीटा की जगह क्या रखा, साइन थीटा अपॉन, देखिए टेन थीटा की प्लेस पे क्या रखा मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर वन, फिर माइनस, फिर कॉस थीटा की जगह पे क्या रखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने क्वेश्चन रिलेशन अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रखा मैंने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पे वन, फिर माइनस टेन थीटा की जगह क्या रखा हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे, फिर ये इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि वन में साइन थीटा का क्या कर दिया है, मल्टीप्लाइड कर दिया है। देखिए आप इसको समझिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ, ये थी थर्ड, देखिए यहाँ पे सेकंड नोट में आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं पूछूँ आपसे ये ए है और ये क्या है, बी माइनस सी है, तो देखिए एक के पास डिनोमिनेटर है और एक का डिनोमिनेटर कितना है, कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, वन डिनोमिनेटर है। तो आप सीधे वन एरो को फॉलो कर दीजिए, वन एरो रूल को फॉलो कर दीजिए, यानी वन एरो से यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी का मल्टीप्लाइड किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डिवाइड में क्या हो जाएगा, सी। मैंने यही रूल इसमें अप्लाई किया है, देखिए इसके पास डिनोमिनेटर क्या है, वन है, और इसके पास डिनोमिनेटर कितना है, साइन थीटा। तो मैं इसके वन एरो रूल को फॉलो करूंगा, तो वन एरो से यहाँ पे मल्टीप्लाइड किया, यानी ये साइन थीटा का मल्टीप्लाइड किस में हो, कितना, वन में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या आ गया, साइन थीटा। यही रूल इसमें भी अप्लाई किया, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाइड वन में करेंगे कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइड में क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखिए फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया है, थर्ड में अगर मैं आपसे बोलूँ ए बाई बी डिवाइड में सी बाई डी है, सी बाई डी, तो देखिए इनर के साथ मल्टीप्लाइड और आउटर का आउटर के साथ मल्टीप्लाइड, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डी का मल्टीप्लाइड ए में हुआ तो क्या आ जाएगा, ये ए डी, और सी का मल्टीप्लाइड बी में हुआ क्या आएगा, आ गया बी सी। यही रूल मैंने इस स्टेप में अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। देखिए थर्ड वाले में, तो देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाइड देखिए किस में हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस के साथ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका देखिए कॉस का मल्टीप्लाइड किसके साथ हुआ, कॉस के साथ, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाइड साइन थीटा के साथ हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं इन दोनों को इक्वल बना दूंगा, और इक्वल बना के उसको कॉमन लेना है। तो आप एक और रूल अप्लाई देखिए यहाँ पे नोट नंबर फोर, अगर मैं कहूँ आपके पास ए माइनस बी है, अगर आपको इसको बी माइनस ए लिखना है तो कहिए आप लिख दीजिए इसे, ठीक है ना। अगर ए माइनस है, मैं कहूँ बी माइनस ए लिखना है, तो आप पहले लिख दीजिए, लेकिन एक काम करना होगा आपको, इसके आगे क्या लगाना होगा, माइनस साइन अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मुझे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दीजिए, लेकिन आगे क्या लगा दीजिए यहाँ पे माइनस। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है, या प्लस या माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाने वाला है। तो फिर से साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इन द ब्रेकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर थीटा इन द ब्रेकेट क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक स्टेप और यहाँ पे, अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करना है, मैंने बताया था ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, इसको क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने का तरीका देखिए, मैंने अगर आपको ये बताया कि यहाँ पे वन अपॉन सी डी है, और यहाँ भी क्या है माइनस बी अपॉन, यहाँ भी क्या है सी 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 एक्स है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए सी है कि नहीं है, तो आप सी को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो आप कॉमन कैसे ले सकते हैं वन बाई सी इन द ब्रेकेट क्या बचा सी कॉमन हो गया, तो वन बाई डी ए बाई डी बचा, माइनस यहां पे क्या बचेगा बी बाई एक्स बचा, बी बाई एक्स बचा, ठीक है। तो देखिए यहां पे कॉमन क्या होगा सी है और सी है कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए बाई डी माइनस बी बाई एक्स, तो वन देखिए यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में है तो वन बाई सी लिखेंगे। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉमन लिया है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर डिनोमिनेटर में है तो वन बाई में लिखेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर इसका कितना होगा वन होगा। अब मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाइड अप्लाई करूँगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइड देखिए ये टर्म मैंने ऐसे ही एज इट इज उतार लिया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाइड अब करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड देखिए साइन का मल्टीप्लाइड किस में किया साइन स्क्वायर में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर नहीं आता तो भी आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाइड ये क्या हो जाएगा ए बाई बी माइनस सी बाई डी, देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे वहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो ए का मल्टीप्लाइड किसके साथ होगा डी के साथ, तो ए का मल्टीप्लाइड डी के साथ होगा तो कितना आ जाएगा ए डी आएगा, B का मल्टीप्लाइड किसके साथ होगा C के साथ, तो ये क्या हो जाएगा BC होगा, और B का मल्टीप्लाइड फिर किसके साथ होगा D के साथ, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा BD। तो देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, तो देखिए इसमें भी आप देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर के साथ होगा साइन पे क्यूब थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर के साथ होगा तो कॉस पे क्यूब थीटा, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन पे क्यूब थीटा माइनस कॉस पे क्यूब थीटा, अब यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और मैंने बताया था कि आप इस फार्मूले को ऐसे याद रखो फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, ये रहा फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब, तो ये फार्मूला क्या होगा वन ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड, अनदर ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इनटू सेकेंड होगा, ठीक है। तो मैंने क्या फार्मूला बताया यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या फार्मूला लगा दिया आप यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा फार्मूला है फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब, ये क्या आ जाएगा वन ब्रैकेट में क्या आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस, देखिए वन ब्रैकेट में आएगा आपका फर्स्ट प्लस सेकंड, अनदर ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इनटू सेकंड, यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो जब मैंने फार्मूला अप्लाई किया देखिए फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, फर्स्ट की जहां पे क्या है कॉस साइन थीटा, सेकंड की जहां पे क्या है कॉस थीटा, तो देखिए वन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अनदर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा, और डिवाइड में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी वन होगी, कितनी होगी इसकी वैल्यू वन होगी, क्योंकि यह आइडेंटिटी है, यह आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा वन होगा, ठीक है। तो मैंने इसकी जहाँ पे क्या रख दिया वन रख दिया, तो क्या बचा यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, ठीक है। अब
क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है। तो वन के साथ क्या होगा, साइन थीटा इन टू कॉस थीटा, और साइन थीटा इन टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इन टू कॉस थीटा, ये कैंसिल होकर कितने आएंगे, वन। और यहां पे मैंने अलग कर लिया, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। तो वन अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन है, क्या होगा ये कॉसेक थीटा, और यहां पे वन अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या है सेक थीटा, और यहां पे क्या है प्लस वन, यही आपका क्या है आरएचएस है, ठीक है। तो मैंने यहां पे जो आइडेंटिटी यूज किया है वो कौन सा आइडेंटिटी था आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यही आइडेंटिटी इसमें यूज हुआ है, बाकी रेसिप्रोकल और क्वेश्चन रिलेशन यूज हुआ है। देखिए फ्रेंड, मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, अगर आप पूरे इस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो आपको सबसे टफ लगता था ना, ये सबसे आसान लगेगा। अगर मेरा ये चैनल आपको, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।